परिसदन भवन में विधानसभा के निवेदन समिति की एक बैठक हुई। बैठक में समिति के सभापति सह विधायक उमा शंकर अकेला, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, सिंदरी विधायक के अलावे गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। इधर बैठक में डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत अन्य कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में गिरिडीह के सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ योजनाओं को पारदर्शिता के साथ तेजी लाने पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक में झारखंड प्रदूषण बोर्ड की नाकामी और गिरिडीह के औद्योगिक इलाकों में संचालित स्पंज आयरन कारखानों से फैलता जानलेवा प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा। सदर विधायक सुदिव्य सोनू ने इस दौरान बैठक में समिति के समक्ष ही स्पंज आयरन के फैलते प्रदूषण के सवाल को उठाया। विधायक के सवाल उठाने पर प्रदूषण बोर्ड के रीजनल पदाधिकारी से समिति ने जवाब मांगा, लेकिन बोर्ड के रीजनल पदाधिकारी के पास भी कोई जवाब नहीं था। लिहाजा सभापति समेत कई सदस्य प्रदूषण बोर्ड के रीजनल पदाधिकारी पर नाराज दिखे और रीजनल पदाधिकारी को डांटते हुए नौकरी तक छोड़ देने का सुझाव दे डाला। रीजनल पदाधिकारी के तर्क सुन समिति का स्पष्ट कहना था कि जिन कारखानों से फैलते प्रदूषण को बोर्ड बंद नहीं करा सकता तो फिर पदाधिकारी की क्या जरूरत। इस दौरान सदर विधायक सोनू ने बैठक में ही रीजनल पदाधिकारी को भ्रष्ट बताते हुए अल्टीमेटम दिया कि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जनवरी माह में कई स्पंज आयरन कारखानों को बंद कराया जाएगा, साथ ही बोर्ड के निकम्मे पदाधिकारियों को भी हटा दिया जाएगा। करीब एक घंटे तक चले बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में समिति के सभापति उमा शंकर अकेला ने बताया कि प्रदूषण फैलने का दूसरा सबसे बड़ा कारण अवैध तरीके से जिले में चल रहे क्रेशर मिल भी है, जो खनन विभाग के संरक्षण में चल रहे हैं। ऐसे क्रेशर मिलों पर कार्रवाई का सिफारिश समिति के सभापति द्वारा किया गया। बताया गया कि बैठक में कुल 30 निवेदन आए थे। इसमें जमुआ विधायक केदार हाजरा द्वारा एक विद्यालय को उत्क्रमित करने तो दूसरा सदर विधायक सोनू द्वारा गिरिडीह विधानसभा में एक पुलिस पिकेट शुरू करने, सभापति उमा शंकर अकेला ने बातचीत के क्रम में स्वीकारा कि कोरोना काल में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बढ़ी है, इसके बाद भी हालात को सामान्य करने में हेमंत सरकार लगातार प्रयासरत है। पॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं, या मार्ग पूरा कर रहा है तो स्टेटिक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसमें लगा हुआ है। स्ट्रक्चर जब खुलता है तो ऑनलाइन मॉनिटर कर दिए उस इलाके के लोगों का आप लोग, ये तो जनवरी में फिर के पड़ेंगे सर उसके पीछे। पहले पर्व त्योहार के चलते छोड़े हुए, जनवरी में फिर के पड़ेंगे, नहीं होगी असर तो बेकार है। चलिए सीधे स्पंज गली के क्या स्थिति है, आप पोस्ट दे दीजिए। सेक्रेटरी के आने की भी संभावना है, मैं सेक्रेटरी कल गिरिडीह आ रहे हैं तो एक बार उनको भी राज्य स्तरीय स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा समिति बनाई जाती है, जिसमें एक निवेदन समिति है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। हम माननीय सदस्य 4-5 विधायक होते हैं, उसी के जो हमारे माननीय विधायक जी निवेदन डालते हैं, चाहे पुल का समस्या हो, स्कूल के प्लस टू करने का बात हो, सड़क बनाने की बात हो, आंगनवाड़ी सेविका को पुनर्वृत्ति की बात होती है, सारे जो समस्याओं को निवेदन करने निवेदन हम लोग के पास आता है, उसी निवेदन के लेकर के हम लोग जिला स्तर पर ये रिव्यू करने आते हैं और उसको क्रियान्वयन कराने के लिए हम लोग सभी पदाधिकारियों को बुलाते हैं और काम कैसे होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और भ्रमण करके जिस प्रकार से हम लोगों को अभी माननीय विधायक सुदीप जी बोलते हैं कि हम लोग को जीना दुर्लभ हो गया है, जो हम लोग को निवेदन में आया है कि प्रदूषण काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, खनन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, यहाँ भले नहीं हो कम हो लेकिन मानक क्रेशर जो है वो अपना मानक पूरा नहीं करता है। और ये तमाम चीज़ों को हम लोग स्थल अध्ययन कर करके उस पर कार्रवाई करने का काम करता हूँ और उसको यानी कि एप्लीमेंट हो इसके लिए हम लोग निवेदन समिति में आज हम लोग गिरिडीह में आए हैं और इस पर हम लोगों ने चर्चा भी आपके सामने हमने की है और सभी
निवेदन पर हमने जिला पदाधिकारियों से सभी लोगों पर हमने बात करके इसको निराकरण करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे गिल्डी विधायक ने भी सवाल खड़ा उठाया प्रदूषण बोर्ड के कार्यशैली पर। इससे पहले भी कई बार फैक्ट्री प्रदूषण को लेकर जांच हुआ, लेकिन वैसे फैक्ट्री प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ जो लगातार उस इलाके में। नहीं, हमारे माननीय विधायक सुदीप जी हैं, सेंसियर विधायक जी भी हैं, तो मैं इनको लेकर के अभी हम लोग जो प्रदूषण के मामले में जिन जिन इलाके में फैक्ट्रियां हैं हम लोग स्थल अध्ययन करने के लिए वहां जाऊंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग यदि जो इस प्रकार की बातें होगी तो राज्य स्तर पर हम लोग उस फैक्ट्री के यानी बंद कराने के लिए हम लोग लिखने का काम करेंगे। ये मेरा बंद तो सरकार करेगी, लेकिन मेरा प्रयास होगा उस पर कार्रवाई कराना। ये मेरा टोटल कितने सवाल आए हैं निवेदन समिति के आज के बैठक? आज 20 आए हैं हमारे पास। और किन किन विभागों में गड़बड़ी नजर आई है अब तक? गड़बड़ी नहीं आई है, गड़बड़ी नहीं। जैसे पुलिस चौकी का निर्माण, एक निवेदन केदार हजरा जी का है, पुल के निर्माण, केदार हजरा जी का है कि हाई स्कूल के उत्कर्मित के लिए है, मठ के निर्माण के लिए है, आंगनवाड़ी सेविका की पनौती के लिए है, बाजार समिति में सेवरेज ब्रिज बनाने की है, थाना भवन बनाने की है, तकनीकी संस्थान खोलने की चीज है, शिक्षकों को नियमितीकरण करना है, जिला कार्यालय में ये होती, ये सब चीजें पर हम लोगों को आज जैसे भरकट्ठा में प्रखंड के दर्जा के मांग किया गया, इस प्रकार से मांग की जाती है और उस पर हम लोग चर्चा करके सरकार को देते हैं। कोरोना काल में आज पहली बार गिरिडीह जिले में निवेदन समिति का बैठक हुआ है, एक विधानसभा समिति का। जितनी योजनाएं चल रही है क्या सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट का? नहीं, स्टेट को हमें ये कोरोना काल में तो हम लोगों का लापरवाही थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कोरोना काल में ऐसा हवा बना के रख दिया गया है भारत पूरे भारतवर्ष में कि लगता है कि कोरोना हम लोग को झारखंड में 95% रिकवर्ड है। और यहाँ कोरोना उतना नहीं, आप देहात के गांव में चले जाइए, एक भी मास्क नहीं लगाता है कोई, और सब एक जगह से दूसरे जगह एक साथ रहता है, लेकिन यहाँ हवा इतना खड़ा कर दिया गया है। लेकिन हम चाहेंगे कि कोरोना यदि जो है तो हम लोग को प्रिकॉशन रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसन रखना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ा कर रखना चाहिए। झारखंड में कोरोना हम लोग को कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जिसके कारण से बाधित हमारा राज्य का कार्य बाधित हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। हमारा पीछे चला गया है, इसमें दो मत नहीं है। इसको भरपाई करने के लिए हम लोग जल्दी अगले साल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नौजवान मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सोच है कि झारखंड को कितना ऊंचाई तक हम पहुंचावें। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच बहुत बड़ा है और उस और वो अग्रसर हमेशा चिंतित रहते हैं। और सारे विधायक को खुद से मिल करके हम लोग सौभाग्यशाली हैं, आप चले जाइए बिहार में मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, चले जाइए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, लेकिन आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी विधायक चाहे पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सारे विधायकों की समस्याओं को सुनते हैं और निदान करने का काम करते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड के प्रति यानी कि काफी सजग हैं। अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि स्थानीय विधायक के तौर पर मुझको उपस्थित रहना है, मैं उपस्थित रहा और जिले की समस्याओं से निवेदन समिति को अवगत कराया और जिले और निवेदन समिति के बीच में एक समन्वय का काम किया। जिन चीज़ों की जानकारी, भौगोलिक जानकारी निवेदन समिति को नहीं थी उनको स्पष्ट किया। और मेरा ये मानना है कि निवेदन समिति ने जिन विषयों को संज्ञान में लिया है उस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सटीक और सकारात्मक कार्रवाई करके निवेदन समिति अपने यहाँ आने को सार्थक करेगी। निश्चित रूप से गिरिडीह शहर में इससे सटे हुए स्पंज आयरन प्लांटों के चलते वहां के निवासियों का जीना दुभर है और जिन मानकों का अनुपालन करते हुए इन फैक्ट्रियों के परिचालन की सरकार ने अनुमति दी है उन मानकों का उल्लंघन हो रहा है। और मैं एक सजग नागरिक और जनप्रतिनिधि की हैसियत से यह कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन फैक्ट्री मालिकों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस सोसाइटी ने आपको सब कुछ दिया है उस सोसाइटी को कुछ वापस कीजिए, कम से कम जार मत दीजिए।